चलो जी, पांग से नीचे उतर रहे हैं अब हम, और मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ क्या हुआ है। अभी बजे हैं पूरे 3, तो देखते हैं हम सरचू कितनी देर में पहुँचते हैं। बर्फ देख रहे हो भाई कितनी क्वांटिटी में पड़ी है नीचे, वो जो बर्फ पड़ी है मतलब 5-5, 6-6 इंच की बर्फ है यार पूरी, मतलब क्या हैवी स्नोफॉल हुआ होगा यहाँ पे। और अभी तो अपडेट ये है कि पांग से जब हम निकले हैं तो इनिशियली 4-5 किलोमीटर का रोड बहुत ही बेकार था, मगर उसके बाद आई थिंक रोड में काम हुआ भाई, सरचू 60 किलोमीटर बचा है। और ये रोड पहले बहुत गंदा हुआ रहता था जब मैं लास्ट ईयर आया था, तो देखो काम तो हुआ है, मगर वही है कि यार ऐसी जगह पे वेदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रहता है, इसलिए उसको मेंटेन करना मुश्किल रहता है उस चीज़ को। अभी आगे चलते हैं और देखता हूँ कहाँ तक कैसा रोड है। तो ये है भाई लाचुंगला, ऑल्टीट्यूड 16,616। रुकेंगे नहीं भाई क्योंकि टाइम कम है, इसको बाय बाय बोल के आगे। और यहाँ पे सारा काम लगा है, जेसीबी लगा हुआ है। अरे क्या रे बाबा, सरचू रह गया यहाँ से अभी कम से कम 50 के आसपास, तो अभी ऐसा शुरू हो गया, ये मिट्टी ग्रेवल कच्चा एकदम नकीला टॉप। तो ये दूसरा टॉप है जो मैं आपको बता रहा था, एक पहले वाला था और एक है ये नकीला, ये भी है 15,500 फीट पे, तभी यहाँ पे ठंड है। 15,000 से ऊपर तो ठंड होनी ही होनी है, 12 के ऊपर ही ठंड शुरू हो जाती है, क्योंकि यार स्नोफॉल हो जाती है ना इतनी ऊपर में, इसलिए। तो यहाँ पे भी देखो आपको स्नोफॉल के पैचेस मिलेंगे सारे, बाकी धूप से सूख गई है कुछ बीच बीच में वहाँ पे, जो वहाँ पे तो देखो आगे पैचेस हैं स्नोफॉल के, तो जहाँ पे ये वाले पैचेस होंगे इधर ठंड होगी होगी। और सरचू अभी भी 42 किलोमीटर्स बचा है। तो जी अभी बज रहे हैं 4:70 किलोमीटर था, तो कितने हो गए, मैथ मेरी कमज़ोर सी है, 70-42, 28 किलोमीटर हमने कवर करे हैं 1 घंटे में, तो वो 3 घंटे वाला एवरेज आ रहा है। सरचू अभी रह गया 30 किलोमीटर। और नई अपडेट, ये रोड भी काफ़ी हद तक, इस रोड में भी सुधार हुआ है, ये भी पूरा का पूरा ऑफ रोड पैच था। मैं बताता हूँ आपको, ये वाला एक पॉइंट है, आपने शायद काफ़ी सारी इंस्टाग्राम रील्स में भी देखा होगा जो सारी रोड जैसे जाती हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा यार इसका, किसी को याद हो तो बताओ प्लीज़। तो ये रोड जो है ये पूरा का पूरा कच्चा था, मेरे को अच्छी तरह याद है लास्ट टाइम में, और इस पर बड़ी मुश्किल हम लोग नीचे उतरे थे, मैं सौरभ और सागर, हम लोग 3 लोग थे उस टाइम में। और अभी काफ़ी अच्छी हालत है यार रोड की। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से पांग से सरचू का जो रास्ता है उस पर काम तो भैया हुआ है, देखो ठीक है। तो आप पिछली बार तो ऐसा था कि 100 में से 95% रोड बेकार था, तो इस बार हम ये बोल सकते हैं कि कम से कम 80% रोड अच्छा है, 20% आपको पैच मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी तो 30 किलोमीटर बचा है, उसमें देखते हैं उसमें क्या सिचुएशन है। ये वाली रोड की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये वाली जो रोड है ना पूरी, ये आती है सरचू से का तकरीबन 30 किलोमीटर पहले, तो बीच बीच में ये रोड बहुत ख़राब थी, अभी तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और रोड को देख के पता भी लग रहा है कि रोड पे काम हुआ है। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, माई फेवरेट डायलॉग। अगर आपने मेरा लास्ट ईयर वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो, इसी पॉइंट पे से सागर भाई, सौरभ भाई और मैं, हम लोग यहाँ पे उतरे थे कच्चे रास्ते में, ये पूरा जो मिट्टी वाला रहता है, 7 वाली सड़क बन रही थी, मगर अभी ये बन चुकी है, तो सड़क तैयार है, हम लोग
इस रास्ते पे से गए थे, सोचो कितना गंदा रास्ता है ये। अगर अब यहाँ से हम चढ़े हैं सीधा रोड पे, ये तो भाई हेलीपैड जैसा लग रहा है। वाह, ओ हो, मजा आ गया भाई। पिछले साल उधर से, आज इधर से, तो देखा भाई सब्र का फल मीठा होता है। एक साल हमने सब्र करा रोड बनने का, दोबारा आए तो देखो क्या रोड बन के मिली है। हैट्स ऑफ बीआरओ भाई, काबिले तारीफ। इस पूरे पैच पे से गए थे हम। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, जाके देखो वाला वीडियो। यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब मिलेगा मगर यार ठीक है, इतना चलता है। पीछे रोड भी अच्छी थी। ब्रैंडी ब्रिज, नया ब्रिज बना लगता है। देखो ये छोटा सा यहाँ पे भी, और उसके बाद फिर से आपका अच्छा रोड चालू। तो भाई साहब ये वाला पैच तो थोड़ा सा मिलेगा अब, पीछे नहीं मिला तो यहाँ पे मिल गया। रेत इतनी ज़्यादा है मगर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। लास्ट ईयर मैं चला रहा था C8 पे, और क्या हो रहा था, मेरे को दोनों पैर अपने लगाने पड़ रहे थे थोड़ी थोड़ी देर बाद, और अभी मैं रेल को डाल के चल रहा हूँ, आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। इतना स्किड हो रहा था मेरा C8 का टायर। अरे देखो हम तो सैडलिंग करके चल रहे हैं भैया इस रेत में, और क्या लोगे। आ रहा है ना मज़ा, रेल को जिंदाबाद। यहाँ से मेरे को लेना है, इस रोड पे ले लेता हूँ यहाँ से। तो भैया देखो टायर में जान तो है, लाइव टेस्ट दिखाता हूँ आपको हर ट्रिप पे रेल को के मैं। और आई एम थैंकफुल, और जो मेरे दोस्त बंधु हैं जिन्होंने रेल को डलवाए हैं मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, भाई साहब आपका विश्वास नहीं टूटेगा, टेंशन ना लो, कैरी ऑन। ये रोड था, ये भी मुझे याद था, बिल्कुल टूटा हुआ था। देखो ये किनारों से पता चल जाता है कि रोड नया है या पुराना है। कॉर्नर देख रहे हैं आप इसके उठे हुए, ये सारी रोड नई है। ये एक्सयूवी वाला एक पीछे आ रहा है, इतना तगड़ा चूल है इस बंदे के, बार बार हॉर्न दे जा रहा है। इतना सड़क खुला पड़ा है, नहीं कि निकाल लूँ इसको, इधर से जाना है। कितना रोड दूं भाई मैं तेरे को, उसमें से 5 एसयूवी निकल जाएंगे जितना रोड है उधर। ओए बड़ा डरावना भाई, ये तो बहुत हिल रहा है। ये वाला रोड लास्ट ईयर टाइप ही है, लास्ट ईयर भी इसका यही हालत थी, तो इसमें कोई सुधार नहीं है। तो आपको मैं लाइव अपडेट देता चल रहा हूँ कौन सी रोड कहाँ से ख़राब है। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड सरचू हैज़ अराइव्ड, सॉरी वी हैव अराइव्ड, सरचू तो वहीं पे गया। और ये देख लो भाई रोड कितनी सही बन चुकी है, पहले इतनी बुरी हालत हुआ करती थी यहाँ पे। लास्ट ईयर का आप मेरा वीडियो देखो जो मैं अभी लिंक में बताया था आपको पीछे, और फिर देखो रोड की हालत अब की और तब की। देखो प्रॉपर टर्मैक बन चुका है, एकदम ब्लैक रोड, मज़ेदार। चलो कहीं पर रुकते हैं। राहुल भाई की, गौरव भाई की वेट करते हैं, तब तक मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ, थोड़ा आगे की तरफ रुकता हूँ एंड में। देखो यार क्या मस्त रोड हो गई है, यहाँ पे ऐसे ऐसे खड्डे हुआ करते थे। इनके पास पीते हैं जूले, चाय मिलेगा, एक चाय दे दीजिए। लास्ट ईयर मैं इन पे रुका था, मेरे को याद है यहाँ पे मैंने अपना वीडियो बनाया था। और एक चीज़ बताऊँ यार, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है ना वहाँ पे ना रुक के आप ऐसी जगह पे रुकने की कोशिश करें जो कोई अकेला बैठा है या जिनका आपको लग रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि ज़रूरत इन सबको है यहाँ पर, तो हम ही लोग कर सकते हैं मदद, और क्या। सही रोड बन गया यार एकदम। ये लोग भी आ गए, टाइम हुआ है 17:24,
पाजी 2 घंटे 24 मिनट में सरचू, 2 घंटे 24 मिनट में सरचू। ये रोड जो पहले ऐसी दिख रही ना आपको कच्ची, इतनी बुरी हालत थी, पीछे तो बड़ी मस्त रोड बन गई है। हवा इतनी ठंडी है, हम तो अंदर ही आ गए, इसलिए यहाँ पे चाय बन रही है और सरचू में रेस्ट करना हो आपको तो रेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अक्सर लोगों को यहाँ थोड़ी सिकनेस होने लगती है नहीं। और ये मिट्टी के बने आंटी जी, जी? ये मिट्टी के बने सारे घर? मिट्टी हो रहा है बिल्कुल, अंदर हवा नहीं आती ना, हवा नहीं आता यहाँ से, हवा नहीं आता। बहुत बढ़िया भाई, सरचू पहुंचे हैं हम 2 घंटे 24 मिनट में, ऑल बिकॉज ऑफ BRO। सो BRO थैंक यू, वरना पिछले साल तो हमें कम से कम 4.5-5 घंटे इससे भी ज़्यादा लग गए थे। सागर याद है, अगर वीडियो देख रहा है सागर तो याद होगा उसको, हम तीनों की हालत और शक्लें देखने वाली थी। आप वीडियो जाके देखो यार, वो वाला मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका। आ जाओ, रहने का देखो कितना सही है, सोने का यहाँ पे। हाय कैसे हो? बढ़िया है, अभी तो मिला था तुम्हें पांग में, कह रहे कैसे हो? 2.5 घंटे पहले बस अंडे मेरे आओ अंडे दे दो, अंडे मत सही खींच दिया हमने इधर, सही खींच दे, मुझे उम्मीद नहीं। मैं इसी मारे आ रहा था कि पता नहीं कैसी होगी रोड क्या है, मगर देखो रोड सही थी, वो इन्फॉर्मेशन सही निकली। बिस्किट खाओगे चाचा? व्यापारी पक्के हैं हम भी, बिस्किट खाओगे? बिस्किट मैगी बिस्किट वाले से खाओगे चाचा? चाचा हमारे पास मैगी भी है ले लिए। अब बात करो इधर ही स्टोव लगा देंगे, डीजल भी है उसमें, और मुर्गी बैठी है अंदर, और गाड़ी सुनो, गाड़ी में अंडे हैं, मैगी है, हम चाचा डीजल ले लो चाचा, मेरे पास सुनो ना, 5 लीटर डीजल पड़ा हमारे पास, आप डीजल ले लेते हो? डीजल ये बताओ ओ सही हो रहा है चाचा, गेम करी जंदे मेरी दी सारे रल के गड्डी भी लोड है ये स्टार्ट है असल में पूरा। ओ भाई डीजल कैसे देते हो आप? अरे मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को डाल दे गाड़ी पे डालना है। उन्हें कहना मेरे दिहाड़ी दे, मेरे दिहाड़ी दे दी, काम दूर कर ले। ओए चाचा हो गया बड़ी करो भाई। हम लोग चाय वाले चाचा से मजाक कर रहे थे क्योंकि गाड़ी में सामान इतना सारा पड़ा है, ये लोग क्योंकि कैंपिंग के इरादे से आए थे तो मैगी पानी की बोतलें और आपके अंडे, तो चाचा हमको कह रहे हैं पेट्रोल लेना है। हमने कहा चाचा पेट्रोल तो नहीं चाहिए, हमसे आपको कुछ चाहिए तो वो बताओ, हमारे पास मैगी है अंडे हैं। और बड़ा मज़ा आया, चाचा डांस करने लगे, अभी भी चल रहा है मजाक MRP पे। चलो जी यहाँ से निकलते हैं, और मौसम यार आज सही में बहुत अच्छा लग रहा है सरचू में, और सरचू को यार मेरे ख्याल से ऐसे लोगों ने इतना हाइप बना रखा है, ऐसा मुझे तो कोई सिकनेस या कुछ हो नहीं रहा, शायद हैबिचुअल हो गई है बॉडी। चलते पीछे, पाजी पीछे कह रहे हैं नींबू चाहिए। 2 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल हमने इसमें डाल दिया है, हम कैरी कर रहे थे गाड़ी में। तो भाइयों ये जो पास है इससे जस्ट पहले GoPro की बैटरी डेड, मगर हमने नई बैटरी डाल ली रुक के, और यहाँ अंत ठंड है, अंत इतनी ठंड है कहने की हद नहीं। आपको पता होगा ये पास कौन सा है, दिस इज़ बारालाचला पास जो आगे आएगा, और बर्फ़ देख लो यहाँ कितनी है। ये पास सबसे लेट खुलता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जो होती है, स्नोफॉल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो ये क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तभी जो मनाली वाला रूट है वो लेट खुलता है, बारालाचला बंद रहता है मोस्टली। अभी भी आप देख लो कितनी आइस है, और चलते हैं क्रॉस करते हैं इसको, और अपना सर्किट पूरा होने वाला है। हाँ जी, जो अपना संस्कार सर्किट था वो पूरा हो जाएगा। मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है कि इतनी ठंड लग रही है मेरे को, अरे माँ। वेरी कोल्ड कह रहे हैं, बहुत ठंड है भाई। चलो जी, मेरे को हेलमेट खोल के रखना पड़ेगा, और थोड़ा ऐसे ही है इधर, गीला गीला सा पड़ा है, स्लश नहीं है मगर ठीक है, आराम से निकल लेंगे। ये बर्फ़ पिघल रही है ना सारी, देख लो भाई, बारालाचला पास की बर्फ़।
वाह। लो जी आ गया 12 लाचला पास 4850 मीटर। भाई साहब व्यू देखो, बर्फ के पहाड़ और नीचे कलरफुल पानी। यह है सूरज ताल। अमेजिंग व्यू यार, अमेजिंग व्यू। ज़्यादा देर नहीं रुक सकता भैया, माफ़ करना, ठंड बहुत है भाई। ये रात के टाइम कहाँ वाटर क्रॉसिंग आ गई। पानी ज़्यादा नहीं है मगर पत्थर अनइवन पड़े हैं यहाँ पे, देखो। पूरा माहौल स्केरी सा लग रहा है, नहीं? रात को पहाड़ ऐसे दिखते हैं भाई, सामने वाले देखो। तो हम उसी पॉइंट पे वापस पहुंच चुके हैं, शिंकुला सीधा, और अब हम यहां से नीचे उतर रहे हैं मनाली की तरफ। तो अपना सर्किट पूरा हुआ जंस्कार वैली का, मेरा भी और पाजी का भी। पाजी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मजा आ गया। चले अब पूरा अंधेरे में राइड होगी आज तो। बिल्कुल। चलो जी चलो। ये है वो पॉइंट जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, यहाँ से सीधा मैं गया था शिंकुला और ये जाता है 12 लाचला, जहाँ से मैं उतर रहा हूँ। तो ये 12 लाचला से उतरे और ये वाला वो बोर्ड था जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, चीका। ये वाला बोर्ड है जब उस तरफ से हम देखते हैं, शिंकुला सीधा लिखा है और ऊपर ले। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड आवर जंस्कार वैली सर्किट, पूरा हुआ। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई सबको जिन्होंने भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया ताकि मुझे हिम्मत मिल सके। और राहुल पाजी, गौरव पाजी और कुणाल पाजी, थैंक यू सो मच दोस्तों। नए दोस्त मिले मुझे कुछ इस ट्रिप पे और अभी तक देखो साथ हैं। ऐसे होता है भाई, कुछ रिलेशन ऐसे बन जाते हैं ट्रिप्स पे, वो दोस्ती हमेशा रहती है फिर। तो आगे भी कोई ट्रिप प्लान करेंगे इनके साथ ज़रूर। अभी चलते हैं, ज़रा देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पूरा अंधेरा है, पूरा पूरा हमने नाइट में ही राइड करा है ऑलमोस्ट। अभी दारचा का ब्रिज आएगा, उसके बाद केलोंग से मेरे को फ्यूल अप कराना है क्योंकि 2 पॉइंट रह गए हैं। हमने सुबह फ्यूल अप कराया था जब फुल टैंक कराया था लेह से, उसके बाद 2 लीटर और डाला क्योंकि मुझे पता था केलोंग तक चली जाएगी बाइक, और अभी 2 पॉइंट पूरे इंटैक्ट हैं। तो फाइनली हम पहुँचे हैं केलोंग। केलोंग में जो नया पेट्रोल पंप खुला है, अभी तक 2 पॉइंट है। बाइक की एवरेज इतनी मस्त आई है, कुछ कहने की हद नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं इसका चेकअप करा रहा था, जनरल चेकअप रॉयल इनफील्ड ले में, उस बंदे ने प्लग खोले, प्लग खोलते ताते कि भैया आपकी बाइक की एवरेज बहुत अच्छी आती है, प्लग में जितना कार्बन होता है उससे आप पता लगा सकते हैं कि बाइक की माइलेज अच्छी आ रही है या बेकार आ रही है। तो देख लो 2 पॉइंट अभी बचे हैं, फुल करा था, फुल के बाद 2 लीटर और डलाया जो हमने लूज डाला था। तो लगा लो साहब, अब मैं तो घर जाके लगाऊंगा। बहुत थक गया हूँ, इतना दिमाग नहीं चल रहा है अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, कल रात को जो आपने देखा हम लोग पहुँचे थे। कितने बजे पहुँचे हम मनाली? 11:30 बजे, मगर हम मनाली नहीं रुके, उससे थोड़ा सा आगे रुके थे। ये जगह है बान, नहीं ये जगह 17 माइल, 17 माइल, ठीक है, मनाली से टुवर्ड मंडी 5 किलोमीटर आगे। अच्छा, तो 6-7 दिन से हम लोग साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा जंस्कार, ले, पेंगोंग वगैरह सारा, और
अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस रहे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ बड़े टफ भी थे, बाकी जो भी हुआ कुल मिला के बहुत अच्छा हुआ। भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिला है। जैसे हम जास्कर में थे, वहाँ पे हमें पता चला कि हमें हाई एल्टीट्यूड जो मेडिसिन थी वो हमने मिस कर दी, वो लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हाँ जी। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग हमने जैसे बाइक रेंटल पे ली थी, उसके ट्यूबलेस टायर भी थे, तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला सीखने को। तो थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन के साथ आए जो भी यहाँ पे आ रहा है, सो दैट कि ये सारी ट्रबल्स ना हो। हाँ जी। तो ओवरऑल एडवेंचर ट्रिप है, तो इट वाज रियली गुड। बढ़िया है। यस बिल्कुल। और पाजी आप? गौरव जी, भाई मैं तो यही कहूँगा आप जितनी मर्जी तैयारी कर लो, लेकिन होना वही है जो भगवान चाहेंगे। और इस बार फिर भी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ बढ़िया करें, ठीक है, अगली बार और थोड़ी तैयारी से आए। और स्पेशली मनाली ले इस और जो भी ट्रैवल करने वाले हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि जो आपके स्पोक व्हील्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करवाइए। ट्यूबलेस करवा लो भाई, मेरे हिसाब से ट्यूबलेस करवा लो, ट्यूबलेस करवाओ, उसमें बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे आपको दूर दूर तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और जो आपको फोटोज वीडियोज में दिखता है वो बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, जो सनी भाई की मेहनत है, वो आपको क्या बताऊँ यार, मतलब अल्टीमेट। और अपनी तैयारी में आए, पूरा आए, और बहुत मजा आएगा। और बस यही कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया रहा अल्टीमेट। पाजी तो आर्मी की गाड़ी में बैठ के आए स्क्रैम के साथ, पूरे कारवां में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा। और जी कुणाल जी, ओवरऑल गुड ही रहा, अच्छा, बढ़िया बढ़िया। आपकी हंसी हमेशा रही है पूरे ट्रिप में, चाहे कैसा भी टाइम हो, ये बंदा हंसता ही रहा है, और हंसता भी रहा है और सबको हंसाता भी रहा है, अच्छा रहा भाई। तो कुल मिला के ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अब हम लोग निकल रहे हैं, पाजी जाएंगे चंडीगढ़ और वहाँ से जाएंगे पठानकोट, फिर मैं निकलूँगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अभी साथ साथ ही निकल रहे हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी रहीं। ये डेस्टिनी होती है यार, आप नए नए लोगों से मिलते हो ट्रिप पे। लास्ट जो ले वाली ट्रिप थी उसमें मैं सागर और सौरभ भाई से मिला था, इस बार तीन भाई और मिले हैं, तो होपफुली अगले आगे कोई नेक्स्ट ट्रिप प्लान करते हैं। और हाँ जी, और मैं सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हम तो अपने मज़े के लिए आए हैं, अपने जो तीन भाई आए हैं मज़े के लिए आए हैं, लेकिन जो सनी भाई हैं उनका ये प्रोफेशन है, और आपको ये नॉलेज दे रहे हैं अपने ट्रिप के थ्रू, ठीक है, ताकि आपको आने वाले समय में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ा इनका इनिशिएट है, आपकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, और आपको कहीं कहीं पे भी मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल चीज़ है ये पूरा रॉ फुटेज में आपको बता रहा हूँ इसके लिए। अरे नहीं यार, आप जो व्यूअर्स आपकी वीडियोस देखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, और आप उनके टाइम में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। यही कोशिश रहती है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिले, रादर देन के सिर्फ सिनेमैटिक दिखाओ, सीनरी दिखाओ, वो चीज़ें तो सभी दिखाते हैं यार, मगर रियलिटी भी तो दिखानी ज़रूरी है कि उसके पीछे क्या होता है। चलो ये तो बातें लगी रहेंगी, हम लोग निकलते हैं। बाकी पाजी अभी तो साथ चल रहे हैं, बाकी फिर मिलेंगे किसी ट्रिप पे, है ना? डेफिनेटली मिलेंगे, ट्रिप बनाएंगे अब एक, तो आप लोग ज़रा सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक सबके नाम। और अब इस ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की है कमेंट सेक्शन में बता दो, जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि हम जाएँ। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। ठीक है जी।